वेलकम फ्रेंड्स, इन्वेस्टिंग डॉक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले इरडा के ऊपर। इरडा में देखो, आज 4% की गिरावट अभी तक हुई है, और ये कुछ नहीं है ज़्यादा, मतलब ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं है, लेकिन ये फंड मतलब प्रॉफिट बुकिंग है। ये सिर्फ जो तेजी देखने को मिली थी वो कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है, इसी वजह से ये प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिली है। तो मेरा कहना यही है कि शॉर्ट टर्म वाले जो है वो एंट्री ना करें, अभी फ्रेश एंट्री ना करें, और लॉन्ग टर्म के लिए अगर करना है तो 228 के आसपास आप लोग फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। इसीलिए 2-3 दिन मार्केट अभी इरडा का नीचे ही रह सकता है, और 228 के आसपास अगर आपको मिल गया इरडा तो इरडा उठा लीजिए, और अगर 228 से गिर गया तो वो 206 के आसपास आपको दिख सकता है। इसीलिए अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग है सिर्फ, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो डरने की बात नहीं है इस स्टॉक में, और आपको लगभग एक साल में ये 400 जाता हुआ दिखेगा मेरे हिसाब से। मैंने जो फंडामेंटल एनालिसिस किया है उसके हिसाब से 400 जाना पड़ेगा इसे, और फ्रेश एंट्री के लिए ना ही है, क्योंकि 228 के आसपास कर सकते हैं और 206 के आसपास कर सकते हैं। अभी 248 पे एंट्री ना करें, और ऐसे ही डेली अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।